Hello friends, today I am showing you how to shade basic forms. सबसे पहले मैं आपको shapes की drawing के बारे में बताऊंगी और उसमें shading कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगी. सबसे पहले हम draw करेंगे circle, जिसको हम sphere भी बोलते हैं. उसके बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्यूब. इसके बाद मैं बनाऊंगी क्यूबॉइड. ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राई करें कि आप फ्री हैंड इसको ड्रॉ करें, स्केल का यूज़ मत करें. इसके बाद मैं बना रही हूँ कॉन, इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं. इसके बाद मैं बना रही हूँ सिलेंडर की शेप. अब मैं इन शेप्स के नेम मेंशन कर रही हूँ. अब मैं आपको टोन्स के बारे में बताऊंगी, शेडिंग की क्या क्या टोन्स होती हैं. इसमें थ्री टोन्स होती हैं. सबसे पहले आती है लाइट टोन, जिसको हम 2B पेंसिल के साथ शेड करेंगे. लाइट टोन को करने के लिए हम 2B पेंसिल ना भी यूज़ करें तो अच्छा है. हम इसको वाइट भी छोड़ सकते हैं. उसके बाद हम 4B पेंसिल लेंगे. 4B पेंसिल के साथ हम मीडियम टोन को करेंगे. इसके साथ ही मैं इसके नेम भी मेंशन कर रही हूँ. जैसे सबसे पहले मैं उनने ऊपर लिखा है लाइट टोन, अभी मैं मीडियम कर रही हूँ तो यहाँ पे अभी मैं मीडियम टोन लिखूँगी.
और सबसे एंड में आएगी डार्क टोन। डार्क टोन को हम करने के लिए हमें 6B पेंसिल हम यूज़ करेंगे। ये हमारी 3 टोन्स है, लाइट टोन, मीडियम टोन एंड डार्क टोन। इससे ही हमारी 3D शेप्स बनती हैं। अभी मैं इसमें शेडिंग करनी बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम 2B पेंसिल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइट टोन के लिए हम वो स्पेस वाइट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको वाइट स्पेस नहीं छोड़ना तो आप 2B पेंसिल यूज़ करके लाइट टोन सबसे पहले करेंगे। देन उसके बाद हम मीडियम टोन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 4B पेंसिल यूज़ करनी है आपको। और इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये सर्कल है तो इसको सर्कल वे में ही आपने शेडिंग देनी है, स्ट्रेट नहीं देनी आप। और अब मैं डार्क टोन कर रही हूँ 6B पेंसिल के साथ। तीनों टोन्स करने के बाद अब मैं इनको मर्ज करूँगी। मीडियम और डार्क टोन को मर्ज करने के लिए मैं 4B पेंसिल के साथ मीडियम और डार्क टोन को मर्ज कर रही हूँ। सारी टोन्स अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, आपस में मिक्स होने चाहिए। अभी मैं ब्लेंडर के साथ इसको मर्ज कर रही हूँ। इसके साथ अच्छे से मर्जिंग हो जाती है। और अब मैं लाइट और मीडियम टोन को मर्ज कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि लाइट टोन और मीडियम टोन सेम लग रहा है तो आप इरेज़र के साथ उसको इरेज कर सकते हो। अभी मैं इसकी शैडो बना रही हूँ। शैडो आपको जिस साइड सन है उसके ऑपोजिट साइड बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सन बनाया ऊपर और इसकी शैडो ऑपोजिट साइड जा रही है। अगर आप शैडो नहीं बनाओगे तो आपकी आपने जो भी शेप बनाई है या फिर जो भी आपने ड्राइंग में जो कुछ भी बनाया है वो ऐसा लगेगा कि उसका कोई नीचे बेस नहीं है, वो हवा में है। तो इसलिए इसकी शैडो बनानी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड सन बना रही हूँ और ऊपर वाली साइड बना रही हूँ, देखो। और लाइटिंग आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर से पड़ रही है तो हम ऊपर वाली साइड पे लाइट टोन देंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी लाइट कहाँ से पड़ रही है। जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो टोन लाइट आएगी और उसकी ऑपोजिट साइड डार्क आएगी। और उसकी मीडियम जो तीसरा बचा वहाँ पे मीडियम आएगी। अब मैं साइड पे कर रही हूँ मीडियम टोन। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर के साथ। और जो फ्रंट वाला पोर्शन है
जो हमें फ्रंट में दिख रहा है, बट वो सन के ऑपोजिट साइड है, इसलिए वो डार्क होगा। मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ आपको, ऊपर वाला पोर्शन मैंने लाइट और साइड वाला पोर्शन मैंने मीडियम और फ्रंट वाला पोर्शन मैंने डार्क किया है। ये सब चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू लाइट देखना है, ज़रूरी नहीं है कि सन की लाइट होनी चाहिए। अभी आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो कि मैं साइड पे बना रही हूँ सन, ऊपर वाली साइड नहीं, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड बना रही हूँ। तो जो राइट हैंड साइड वाली साइड हमारा बॉक्स है, वहाँ पे मैं लाइट करूँगी। और जो इसका अपर पोर्शन है उसमें मैं मीडियम टोन करूंगी। और फ्रंट साइड मैं डार्क टोन करूंगी। ये हो गया राइट हैंड साइड, लाइट पड़ रही है आपकी। आपने इस बात का ध्यान रखा, फर्स्ट पिक्चर में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाली अपर साइड पे सन बनाया है, सेकंड वाले में मैंने राइट हैंड साइड ऊपर वाले पोर्शन पे बनाया सन, और थर्ड पिक्चर में मैंने राइट हैंड साइड नीचे वाले पोर्शन पे बनाया। आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ से किधर से पड़ रही है। मैं इसको बहुत ही डिटेल से बता रही हूँ आपको। अभी मैं सन बना रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड और नीचे वाली साइड, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। इस पे हम लाइट ऑन सबसे पहले करेंगे जहाँ पे सन है, उसके बाद मीडियम एंड सेम, उसके बाद डार्क। इसकी मिक्सिंग करना मत भूलना, इसको अच्छे से मर्ज करना हमने, उसके बिना आपकी पिक्चर जो भी है अच्छी नहीं बनेगी, शेडिंग अच्छी नहीं लगेगी। इन्हीं तीनों टोन्स के साथ आपकी पिक्चर 3D इफेक्ट देगी। यहाँ पे मैं सन ऊपर वाली साइड पे बना रही हूँ, तो
तो जैसे कि भी आपको मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे हम लाइट टोन देंगे, और उसके नीचे वाले पोर्शन पे एक साइड पे हम लाइट टोन और उसके ऑपोजिट साइड पे हम डार्क टोन देंगे। ये हम लाइट टोन दे रहे हैं, सॉरी मीडियम टोन दे रहे हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और इसके साथ हम दे रहे हैं डार्क टोन। और इस वाले में मैं अपर पोर्शन को वाइट ही छोड़ रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे वाइट भी छोड़ सकते हो जहाँ पे लाइट टोन पड़ रही है। अभी हम इन दोनों को मर्ज करेंगे ब्लेंडर के साथ। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि ये हमारी लाइट टोन ऊपर दी है मैंने, इधर डार्क टोन और दूसरी साइड मैंने मीडियम टोन दी है। अभी मैं इन सब की शेडिंग शेडो दूंगी जहाँ पे मैंने डार्क टोन किया है उसी साइड पे मैंने इसका शेडो बनाया। इसका भी सेम है, जिस साइड पे डार्क है उसी साइड पे इसकी शेडिंग होगी। ये कोन है तो इसकी जो शेडिंग है शेडो जो होगी वो भी कोन शेप में ही आएगी। ऊपर जो मैंने स्फेयर बनाया है उसकी भी सर्कल में ही मैंने शेडो दिया है, बाकी जो है उसको उसी वे में मैंने उसकी शेडिंग दी है और उसी शेप में मैंने उसकी शेडो दी है। ये सिलेंडर है इसकी भी सेम वे में ही शेड होगी। ऐसे आपने सभी शेप में शेडिंग करनी है और कोई भी आपकी ड्राइंग है उसमें ऐसे ही आपने शेडिंग करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।